समय मौजूद हूँ मैनपुरी में, जहाँ पर करहल विधानसभा पड़ती है और जहाँ पर इस समय योगी जी आए हुए हैं और सभा ले रहे हैं। बहुत बड़ी सभा है, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। करहल जो विधानसभा है उस वो सापा का गढ़ माना जाता है और बराबर में ही सेफई गाँव है और लगातार मैं आपसे लोगों की चर्चा कराता हूँ। लोग तमाम लोग यहाँ पर हैं, भाई साहब आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको मैनपुरी में? मैनपुरी में बीजेपी लग रही है साहब। ये सापा का गढ़ माना जाता है, आपको लगता है ये गढ़ टूटेगा? गढ़ टूटेगा साहब, गढ़ टूटेगा। कैसा लग रहा है कि आपको ये गढ़ टूटेगा? टूटेगा। क्या वजह है? वजह सब वजह ही है, यहाँ गुंडागर्दी के अलावा क्या था यहाँ पर? क्या डेवलपमेंट हुआ है मैनपुरी में? आपको, आप बहुत बुजुर्ग हैं, क्या आप डेवलपमेंट देखते हैं, क्या विकास देखते हैं मैनपुरी में? मैनपुरी में जो 90% पोलिंग होती थी 16 यूं है जब मैंने बात है। अभी मुलायम सिंह नेताजी नहीं रहे तो आपको लगता है कि उनकी उनकी सिंपैथी चलेगी, उनकी संवेदना चलेगी? नहीं चलेगी, उन्हीं के साथ थी, उनके साथ थी। तो और लोग से बात करते हैं, यहाँ पे तमाम लोग हैं, भाई साहब से बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है मैनपुरी में? अरे मैनपुरी में अभी आपको कुछ मालूम है क्या? और कुछ बाकी रह गया? आप सब दिखाई दे रहा है, लाखों की भीड़, पूरा कमल खिल रहा है, कोई उसे हिलाने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब जान चुकी है और जनता अपना पूरा मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिर्फ केवल बीजेपी। सापा का गढ़ माना जाता है, कैसे गढ़ तोड़ेंगे, क्या रणनीति है इन लोग की? आपको मालूम होगा कि वही भीम थे, वही गोपिकाएं थी, वही पूरा सिस्टम था और वही इतने बलशाली थे और बलशाली होने के बाद पता ये लगा कि उनको बांध लिया गया और मार डाला गया और उनकी मिट्टी खराब हो गई। हमारा केवल कहना यही है, जनता सब जान चुकी है, इनके पास केवल परिवारवाद है, केवल केवल परिवारवाद, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं। यादव और भी तो है क्या? और क्षेत्रों में यादव नहीं है? और जिलों में यादव नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक यादव नहीं है? लेकिन महासचिव होगा तो सैफई का होगा, विधायक होगा तो सैफई का होगा, सांसद होगा तो सैफई का होगा, बड़े से बड़े जो उनके जो भी पदाधिकारी है वो केवल केवल सैफई के ही होंगे। परिवारवाद की बात कर रहे हैं कि सापा में परिवारवाद है और भी तमाम चीजें बात करते हैं। विकास की दृष्टि से हम देखें तो मैनपुरी में कितना विकास हुआ है? विकास के लिए तो आप देख ही सकते, केवल इनका विकास हुआ है और सैफई का विकास हुआ है, केवल केवल सैफई का और केवल इन्हीं का, इन्हीं के परिवार का और इनके चमचों का, इसके अलावा और किसी का विकास नहीं हुआ। आज देखिए आप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में जो भी विकास हो रहा है या यूपी में जो भी विकास हो रहा है, हमारे अंदाज से जितने 35 वर्ष में जो इनके 35 वर्ष के कार्यकाल में काम हुआ है वो केवल 5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ ने काम करके दिखाया है और दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये धरातल पर है, धरातल पर। हाँ, अब तुम नहीं मानते हो वो अलग बात है, जनता बता रही है, हमारा कहना नहीं है, जनता बता रही है। बराबर में सैफई गांव है, मुलायम सिंह का गांव है जी, योगी जी आज सेफ यहाँ पे आए हैं, सैफई गांव में पास ही है, मैनपुरी में आके चुनौती दी है मोदी योगी जी। योगी नहीं, इसे शेर कहिए, ये शेर आया है, कौन आया है, कौन आया है, शेर आया, शेर आया है, शेर आया, और जनता मन बना चुकी है और अब ये मान के चलिए ये गढ़ टूट गया, बीजेपी। तमाम भाई इनसे बात करते हैं, गढ़ माना जाता है सापा का, क्या कहेंगे? भाजपा आज योगी जी आपके क्षेत्र में आए हैं, सैफई गांव पास में ही है और तो भाजपा ही है, यहाँ मन बना ली जनता ने तो मन बना लिया, भाजपा निकलेगा। आप कई सालों से मैनपुरी की राजनीति देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन आने वाला है? क्या परिवर्तन है? परिवर्तन तो हो रही रहा है, जब शेर आ गया है मैदान में तो शेर तो परिवर्तन करेगा। तो योगी जी को कह रहे हैं यहाँ पे शेर आने आया है, शेर आया है और देखो शेर आया है। तमाम लोग से मैं आपको बात कराता रहूँगा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।